हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी जनरेट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने आधार कार्ड के 16 डिजिट का वर्चुअल नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज, पर यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा आधार नंबर तो पहले से ही है, तो वर्चुअल आईडी क्यों, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड है वो एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जो बहुत से चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन या फिर पैन कार्ड, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे जो हमारा आधार कार्ड है वो जुड़ा हुआ है। और हाल ही में बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं जो ये दावा करती हैं कि हमारा जो आधार नंबर है वो ऐसे ही किसी को देना सेफ नहीं है, और इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा ये फीचर लाया गया कि हम अपने आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और कहीं भी दे सकते हैं। इससे जो हमारा आधार कार्ड है वो और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं कि हम अपने आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें आधार कार्ड के वेबसाइट पे जाना है, तो इसलिए हम ब्राउजर में टाइप कर लेते हैं uidai.gov.in। ये देखिए, ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे आप जब नीचे आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल आईडी का एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ये ऑप्शन पहले यहाँ पे नहीं था, अब ये नया यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो चलिए इस वर्चुअल आईडी जनरेटर पे क्लिक कर देते हैं, और ये देखिए, ये एक नया टैब में खुल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया पेज खुल गया, और यहाँ पे हमसे हमारा आधार नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे हमने आधार नंबर डाल दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैप्चा इमेज दिया हुआ है, तो इस कैप्चे को हमें इस बॉक्स में डालना है। चलिए यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं, और डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा हुआ है, जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में, उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, और उस ओटीपी के जरिए आपको वैलिडेट करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका ओटीपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, आप अपना मोबाइल चेक करिए। तो यहाँ पे आपको एक बार और बता दूं कि आप ने जब आधार कार्ड बनवाया होगा उस समय जो नंबर आपने दिया होगा उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है जो आपने आधार कार्ड में दिया हुआ है उस पे एक ओटीपी गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको किस तरह से ओटीपी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास कुछ ओटीपी आता है, और यहाँ पे हमारा जो वन टाइम पासवर्ड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इस ओटीपी को हम जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ये हमने ओटीपी डाल दिया, और यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रेडियो बटन दिया हुआ है, दो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला है जनरेट वर्चुअल आईडी और दूसरा है रिट्राइव वर्चुअल आईडी। तो इसका क्या मतलब, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जनरेट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने पहले से जनरेट नहीं किया हुआ है इसलिए हम जनरेट के ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आपने पहले से जनरेट किया हुआ है और आपको दोबारा से चाहिए आपका वर्चुअल आईडी, तो आप सेकंड नंबर को टिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जनरेट वी आईडी पे क्लिक करते हैं, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, और ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वर्चुअल आईडी नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो वर्चुअल आईडी है, जो आधार नंबर, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, तो आप अपना फोन चेक करिए। तो अब जो है हमारा वर्चुअल आईडी सक्सेसफुल बन चुका है, जनरेट हो चुका है, और हमारे
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया। चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरह से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया है और यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं और कहीं भी सिक्योरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने सीख लिया है कि हम अपने आधार कार्ड के 16 डिजिट का वर्चुअल नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे स्क्रॉल करिए और कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।